आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा, क्योंकि पिक्चर ट्यूब जब ख़राब हो जाता है सीआरटी टीवी का, तो चार्ज करने का तरीका बहुत कुछ होता है। तो इसी तरह मैं एक यूट्यूब के अंदर एक वीडियो देखा, वो वीडियो के अंदर ESD चार्जर, मतलब बिना चार्जर से कैसे पिक्चर ट्यूब को चार्ज किया जाता है। नॉर्मल पिक्चर ट्यूब जो होता है सीआरटी टीवी का, जो पीसीबी होता है, पीसीबी के अंदर जो ESD रहता है, ESD से कैसे चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों ये कितना सच है, कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, ये भी आपको प्रैक्टिकल ये वीडियो के अंदर देखाऊंगा। और उसका साथ रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो बढ़िया बात, और रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो जो ओरिजिनल पिक्चर ट्यूब चार्जर होता है, जिस चार्जर में बना है, वो चार्जर से भी आपको एक बार देखाऊंगा कि कौन सा बेटर है। तो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ये वीडियो है, आप शुरू से लास्ट तक देखिए ये वीडियो को, कुछ भी पोजीशन इसकी मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत पोजीशन पूरा डिटेल्स देखा है क्लियर करके, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप स्किप करके वीडियो देखेगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपका मन में बहुत कुछ डाउट आएगा और कमेंट के अंदर उल्टा सीधा कमेंट करेगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको एक अलग तरीका से चार्ज करके दिखाऊंगा। चार्ज करके दिखाने के पहले पिक्चर ट्यूब का जो प्रॉब्लम है, उसका सिम्टम क्या है, वो भी आपको अच्छा करके बताऊंगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा लास्ट तक पिक्चर को कैसे ओके किया जाता है, आपको ये वीडियो के अंदर दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिपेयरिंग सिस्टम ये वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है और किस प्रॉब्लम के लिए क्या करना पड़ता है। तो आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये एक सीआरटी टीवी का वीडियो है, ठीक है। देखिए ये एक वीडियो पिक्चर चल रहा है, कैमरा लाइट के वजह ये ब्लर थोड़ा हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेश करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर फ्रेश कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये वनी का लोगो है, बट दोस्तों ये टीवी का अंदर लोकल मार्केट किट है, ठीक है, ये ओनली स्टिकर है। और ये स्टिकर और टीवी ऑन करने के बाद ये जो लिखा आना चाहिए वनी का, ये कैसे सेट किया जाता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया। देखिए ये जो पिक्चर का क्वालिटी देखिए, ग्रीन टाइप पिक्चर है, और जो ओरिजिनल कलर आना चाहिए, कलर होना चाहिए, ये नहीं है। बट अब अच्छा करके देखेगा तो देखिए इसका अंदर रेड कलर मिसिंग लग रहा है, ब्लू कलर मिसिंग लग रहा है, बट ऑल कलर प्रेजेंट है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर हल्का सा रेड यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर हल्का सा रेड शो हो रहा है, और ये जो पिक्चर चल रहा है इसका अंदर भी ब्लू और रेड हल्का सा आ रहा है और जा रहा है। तो दोस्तों ये लाइट का बजाय, बट इसका अंदर अच्छा करके देखने के बाद जो पता चलता है कि इसका अंदर तीनों कलर प्रेजेंट है, मतलब RGB। तो अधिक टाइम क्या होता है, बहुत न्यू टेक्नीशियन की इसका अंदर देखता है कि ये ग्रीन कलर है, हो सकता है बेस बोर्ड का प्रॉब्लम, वो बेस बोर्ड भी चेंज करके देखता है, बहुत कुछ पार्ट्स चेंज करके देखने के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह ये एक फॉल्ट आपको रिपेयर करके देखूंगा पूरा अलग तरीका से, हो सकता है ये तरीका यूट्यूब पर अभी कभी नहीं देखा, ठीक है। आप जिस तरीका आपको देखूंगा, आप कभी देखा है तो मुझे कमेंट करके बताएं ये कमेंट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों इसका पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसका लाइट का प्रॉब्लम है और कलर का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों लाइट का क्या प्रॉब्लम है, कैमरा पर ये लाइट ओके लग रहा है, बट यही देखा जाता है कि कैमरा करने का समय लाइट टीवी का अंदर बहुत कम होगा, तब भी मोबाइल कैमरा का अंदर ये लाइट ज़्यादा लगेगा, बट दोस्तों इसका लाइट बहुत ही कम है। मैं ESD को फुल करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये लाइट पूरा मैं फुल किया, जब इसका नॉर्मल कंडीशन पर ESD घुमाने के बाद लाइट पिक्चर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है पिक्चर ट्यूब का प्रॉब्लम है, लाइट कम प्रॉब्लम ये पिक्चर ट्यूब के अंदर है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बहुत टाइम ये वीडियो पर मैं आपको जो दिखाया कि देखिए रेड कलर प्रेजेंट है, ग्रीन कलर प्रेजेंट है, ब्लू कलर भी प्रेजेंट है, ठीक है, और लाइट हाई करने का बाद। चलिए मैं PCB को ओपन करके ही रखा हूँ, आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसका अंदर चाइना PCB है। और ये जो ESD का नीचे वाला पिन देखिए, ये घुमाने का बाद देखिए इसी तरह ये पूरा काला हो जाता है, आप अच्छा करके देखिए पूरा काला हो जाता है, नेगेटिव टाइप हो जाता है, देखिए पूरा नेगेटिव टाइप ये पिक्चर हो जाता है। तो दोस्तों कैमरा पर ये सब नज़र में नहीं आएगा, बट ये शो हो रहा है इसी तरह, और थोड़ा लाइट कम डाउन करने के बाद ये पूरा काला हो जाता है।
कुछ भी क्लियर नहीं दिखा जाता है। बार दोस्तों मोबाइल कैमरा का अंदर ये लग रहा है कि बहुत ही अच्छा ये पिक्चर है। और ये जीरो करने के बाद देखिए तो दोस्तों लाइट तो जीरो जरूर हो जाएगा। तो चलिए लाइट को मैं धीरे धीरे बड़ा हाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह ही हो जाता है। और स्क्रीन को फुल करने के बाद देखिए रिट्रेस लाइन नहीं आता है। ESG स्क्रीन को फुल करने के बाद, ये नीचे पोजीशन को फुल करने के बाद रिट्रेस लाइन नहीं आता है। तो दोस्तों पिक्चर ट्यूब का क्वालिटी ओके होगा तो हाई करने के बाद रिट्रेस लाइन आ जाता है, बट रिट्रेस लाइन नहीं है। और ये थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद इसी तरह पिक्चर दिखा जाता है। पर दोस्तों इसका जो ओरिजिनल क्वालिटी, जो कलर क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं है, लाइट बहुत कम है। तो मन में लगा कि ये ABL लाइन का प्रॉब्लम है क्या, पर दोस्तों ये ABL लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, पिक्चर ट्यूब का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको देखूँगा कि पिक्चर ट्यूब बिना चार्जर से, ठीक है, ये देखिए बंद करने के बाद इस तरह ये हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। सप्लाई को मैं ऑन किया, ऑन करने के बाद स्क्रीन का अंदर आप फॉलो कीजिए। तो देखिए ये लाइट पिक्चर सब कुछ आ गया। चलिए मैं बंद करने के बाद आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए एक बार। देखिए इस तरह होने के बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है, ठीक है। मैं पहले से ही ओपन करके रखा हूँ। और देखिए ये 15 इंची का पिक्चर ट्यूब है और मॉनिटर पिक्चर ट्यूब है, ठीक है। ये देखिए ये जो मॉनिटर ट्यूब है, मॉनिटर पिक्चर ट्यूब है। तो ये मॉनिटर पिक्चर ट्यूब को मैं चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चार्जिंग कैसे किया जाता है, चार्जर बनाने का तरीका किस तरह है, मैं डिटेल्स मेरा चैनल के अंदर वीडियो बना के रखा है, ठीक है। तो मैं आज आपको जो तरीका दिखाऊंगा कि हो सकता है आप चार्जर नहीं बनाया, आपका पास चार्जर नहीं है, तो बिना चार्जर के बाद भी आप ये प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हो। बट दोस्तों ये तरीका सही नहीं है, बट तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कर सकते हो, कि ये पिक्चर ट्यूब फेंकने का पहले, ठीक है, आप ज़रूर ये ट्राई करके देख सकते हो। और कस्टमर का ये टीवी आप कर रहे हो तो कस्टमर को बता दीजिए कि आपका पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम हो जाएगा तो रिस्क आपको ही लेना पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ कुछ काम इस तरह ही होता है, ठीक है। तो देखिए ये बेस को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ बेस को मैं ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद और क्या करना पड़ेगा, देखिए लोड, ये सप्लाई लोड मैं कम करने के लिए इसका डिगोसिंग कॉयल का वायर मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं, ये डिगोसिंग कॉयल का वायर है, ठीक है, डिगोसिंग कॉयल का वायर है। और AC कनेक्शन यहाँ पर है। तो दोस्तों ये काम करने के लिए ये PCB पर मैं सप्लाई दूंगा। और ESD जो कैप है, ये कैप को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैप जो है और ये जो वायर है, कुछ भी पोजीशन लीक नहीं होना चाहिए। लीक होगा तो आप एक बार फास्ट टेस्ट कर लीजिए, इसी तरह स्क्रू ड्राइवर लेके सप्लाई देके इसी तरह आप टेस्ट करके एक बार देखिए, टच करके लीक होगा तो ज़रूर इसका अंदर फायरिंग आएगा, ठीक है। तो आप लीक पोजीशन ESD होगा तो आप इसी तरह ट्राई मत कीजिए। तो चलिए ये पोजीशन कैप को मैं ओपन करूँगा, थोड़ा ये काला ये जो वायर है, वायर को मैं साफ करूँगा। साफ करने के बाद आपको तरीका दिखाता हूँ किस तरह ये करना पड़ेगा। चलिए मैं, तो दोस्तों जिस तरह मैं ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ, न्यू टेक्नीशियन ये मत कीजिए, बट आपका थोड़ा सा ये TV कम करने का एक्सपीरियंस है तो भी आप कर सकते हो। तो ये ESD कैप ओपन करने का तरीका तो सबको पता है, तब भी मैं दिखाता हूँ, मैं अलग सा जो तरीका यूज़ करता हूँ कि दोस्तों देखिए ये जो नेगेटिव का वायर है, ये बेस बोर्ड का साथ ये कनेक्शन रहता है, ठीक है, बेस बोर्ड का साथ कनेक्शन रहता है। तो ये तो इसका अंदर कुछ भी एक वायर लेके, इसका अंदर कुछ भी एक वायर लेके यहाँ पर आप इसका अंदर इनपुट करेगा तो ये पिक्चर ट्यूब का अंदर जो चार्ज है ये डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों आप अलग से वायर लेके भी डिस्चार्ज कर सकते हो, मैं न्यू टेक्नीशियन को बताना चाहता हूँ। और दोस्तों इसी तरह आपका पास सेम मीटर है तो ये नेगेटिव कॉर्ड और रेड कॉर्ड ये साइड पर आपको लगाना पड़ेगा, देखिए ये साइड पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटरनल कनेक्शन ये शॉर्टिंग है, इसकी इंटरनल कनेक्शन शॉर्टिंग है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो रेड वायर में कनेक्शन किया, ये रेड वायर यहाँ पर कनेक्शन है और यहाँ से इंटरनल कनेक्शन है और ये ब्लैक कॉर्ड है, ठीक है, मतलब ये पूरा शॉर्टिंग है। तो ये इस तरह करके आप ये जो पिक्चर ट्यूब का अंदर कैप है, इस तरह आप डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। ये डिस्चार्ज होने का बाद तब आप पिक्चर ट्यूब का कैप, ये जो कैप है, ये कैप को आसानी से ओपन कर सकते हो। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन करने के बाद ये वायर को थोड़ा सा मैं फ्रेश कर लेता हूँ, साफ सुफ कर लेता हूँ। करने के बाद क्या करना पड़ेगा ये भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं एक हाथ से कैमरा काट रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो को कट करना पड़ता है, ठीक है।
तो दोस्तों अभी इसी टाइम इसका मेन खेल है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या करना पड़ेगा। तो ESC ये जो वायर है, ये ESC वायर को मैं थोड़ा सा साफ सुफ किया, ठीक है, आप देख सकते हो ये अभी ये न्यू जैसा लग रहा है। और ESC वायर को साफ सुफ करने के बाद क्या किया, देखिए ये जो पिक्चर ट्यूब का पिन है, अलग अलग जो पिन है, तो इसका अंदर ओनली जो फिलामेंट पिन है, देखिए यह साइड से, ये साइड से ओनली दो पिन को छोड़ना पड़ेगा, और उसका बाद ये तीन चार जो पिन है ये फिलामेंट का पिन है। दोस्तों यहाँ पर एक नेगेटिव होता है और एक पिन पर सप्लाई आता है, आने के बाद तब फिलामेंट ऑन होता है। और दोस्तों ये बड़ा नेक है, बड़ा नेक का ये एक दो पिन का बाद ये तीन चार फिलामेंट है, तो स्मॉल होगा तो उसका पिन अलग होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिलामेंट का जो दो पिन होता है, दो पिन को आपको इस तरह शॉर्टिंग करना पड़ेगा, मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं ज्वाइन किया ये दो पिन को, ठीक है, ओनली ये दो पिन, फिलामेंट का जो दो पिन होता है इसको मैं ज्वाइन करके अच्छा करके सोल्डरिंग किया। और इसका जो वायर है, ये वायर को आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो वायर है, ये वायर को यार से ले लिया, लेने का बाद ये मैं नेगेटिव का साथ, ये जो पिक्चर ट्यूब पर नेगेटिव है, देखिए पूरा वायर आपको दिखाता हूँ, पिक्चर ट्यूब का जो नेगेटिव है यहाँ पर मैं कनेक्शन किया, ठीक है। और ये पिक्चर ट्यूब का जो नेगेटिव आप देखिए जो यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोस्तों बेस का साथ मैं कनेक्शन कर दिया, क्योंकि बेस का अंदर नेगेटिव है, तो दोस्तों पिक्चर ट्यूब नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उसका बाद ये जो नेगेटिव वायर को आप PCB का जो मेन नेगेटिव होता है वहाँ पर भी आप कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी जगह पर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया और कुछ भी वायर ओपन नहीं किया, सिर्फ ESC का कैप को मैं ओपन किया, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ न्यू टेक्नीशियन को कि हॉरिजेंटल का जो योक कॉइल का कनेक्शन, ठीक है, ये जो योक कॉइल का कनेक्शन होता है, हॉरिजेंटल का कनेक्शन होगा तो ESC थोड़ा हाई बनता है। तो दोस्तों सेफ्टी के लिए ESC थोड़ा हाई होना चाहिए, हाई होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तब भी सेफ्टी के लिए ESC का ये जो हॉरिजेंटल का ये जो अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पर जो एक वायर है, ये वायर को मैं ओपन कर देता हूँ सेफ्टी के लिए। आप ये ओपन कर सकते हो, आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं ये ओपन कर दिया, मेरा हिसाब से ये मैं कर दिया। तो मैं सीरीज लाइन से ये बूट को टेस्ट करूँगा, पिक्चर ट्यूब को मैं चार्ज करूँगा अलग तरीके से, आप डायरेक्ट लाइन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका अंदर जो जो मैं किया सब कुछ आपको बता दिया, और कुछ भी ओपन नहीं किया, सब कुछ कनेक्शन इसका अंदर है, और ESC कैप यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अभी एक बार सप्लाई दे के दिखाता हूँ, ESC कैप यहाँ पर ओपन है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, देने के बाद TV चालू हो गया, और इसका इंडिकेटर आप देख सकते हो, TV का अंदर इंडिकेटर ये जल रहा है, ठीक है, और ESC भी बन रहा है, तो साउंड अभी चल रहा है। चलिए मैं साउंड ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि साउंड ये ऑडियो वीडियो कनेक्शन भी ओपन नहीं किया। और ये वायर को आपको इस तरह पकड़ना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि ESC के अंदर ये देखिए फायरिंग हो रहा है, ठीक है, ESC के अंदर कारण है, अब देखिए, ठीक है। तो आपको इसी तरह वायर को पकड़ने का बाद ये जो पिक्चर ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब का आपको इस तरह करना पड़ेगा, अच्छा करके कैमरा एक बार दिखाना पड़ेगा, तो दोस्तों कैमरा को मैं थोड़ा सा सेट किया और आपको जो एक बार दिखाया कि ये जो हॉरिजेंटल का योक कॉइल वायर ओपन करके। तो चलिए अभी हॉरिजेंटल का योक कॉइल कनेक्शन मैं करके ही आपको दिखाता हूँ। देखिए ये योक कॉइल कनेक्शन मैं कर दिया, ठीक है, करने का बाद ये देखिए ESC का ये जो कैप है, अभी मैं सप्लाई नहीं देख के रखा हूँ, मैं इस तरह सप्लाई देख के आपको एक बार दिखाऊँगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा दूर इस तरह पकड़ना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया। तो दोस्तों ESC थोड़ा हाई बन रहा है, और देखिए अभी इसी किस तरह काटना पड़ेगा,
तो दोस्त को आपको पूरा सामने लेके नहीं जाना पड़ेगा, सामने लेके जाएगा तो बहुत जोर से फायरिंग होगा, थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा दूर रखने के बाद इस तरह ये फायरिंग होगा। ठीक है, टेंशन लेने का डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, आप खुद ही लाइव देखिए। तो दोस्तों चलिए मैं अभी सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। देखिए सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं जितना टाइम किया कोनो वीडियो को मैं स्पीड नहीं किया, नॉर्मल तरीके से आपको 30 सेकंड 40 सेकंड का आसपास करके दिखाया। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई तो मैं ऑफ कर दिया। ठीक है, आपको इसी टाइम क्या करना पड़ेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सोल्डरिंग मैं किया, ये सोल्डरिंग को आपको ओपन कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार नहीं होगा तो आप दो तीन बार भी कर सकते हो, मैं एक बार तो ट्राई किया। और चलिए ये ओपन जो जॉइंट है फिलामेंट का वायर को मैं ज्वाइन किया था, ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये पोजीशन मैं थोड़ा स्पीड कर दिया, आपको लाइव प्रैक्टिकली देखूँगा कि ये जो जॉइंट है फिलामेंट का, ये ओपन करने के बाद आपका सामने मैं डायरेक्ट बेस कनेक्शन करके पिक्चर देके भी देखूंगा कि पिक्चर आता है कि नहीं, और पिक्चर ट्यूब डैमेज हो जाता है कि नहीं, और पिक्चर ट्यूब क्लियर पिक्चर आता है कि नहीं। ठीक है, तो आपको पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, कुछ भी पोजीशन स्किप अब मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि स्किप करके देखेगा तो आपका मन में बहुत कुछ डाउट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका सामने मैं सब कुछ देखूंगा, बेस बोर्ड कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो कुछ काटना पड़ेगा, जो कुछ मैं ओपन किया। ठीक है, और ESD कैप जो है, ESD कैप को भी आपका सामने ही लगाता हूँ। ठीक है, लगाने के बाद आपको देखूँगा, क्योंकि आपका मन में कुछ मैं डाउट नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम को पर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक टेलीग्राम चैनल लिंक, एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा हूँ। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल सब कुछ फ्री में। तो चलिए मैं आपका सामने प्रैक्टिकल एक बार देखूँगा कि ये चल रहा है कि नहीं, चलेगा कि नहीं, पिक्चर आता है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई देख के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, आपका सामने मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, फिलामेंट जल रहा है। और दोस्तों देखिए ओनिडा का लोगो बिल्कुल साफ आ गया। तो चलिए एक बार पिक्चर देख के देखना पड़ेगा, ऑडियो वीडियो कनेक्शन तो है, तो हो सकता है लूज कॉन्टैक्ट। तो चलिए मैं थोड़ा सा ये जो वीडियो कॉड है, देखिए पिक्चर आ गया। बट दोस्तों इसका जो क्वालिटी ये अच्छा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा ESD को एडजस्ट करके, थोड़ा सा लाइट ब्राइट सब कुछ एडजस्ट करके भी एक बार देखना पड़ेगा कि इसी तरह चार्ज करने के बाद रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ, बट आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। मैं ESD को थोड़ा सा एडजस्ट किया और तब भी दोस्तों इसका ग्रीन लाइट तो चला गया, बट ब्लू ज़्यादा आ गया, रेड हल्का सा आ गया थोड़ा सा। तो चलिए आपको घुमा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं स्क्रीन को सामने से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसका जो डेवलप, ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है, बट दोस्तों थोड़ा सा इसका जो कलर देखिए, रेड बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, बट रेड ग्रीन ब्लू ये मिक्सिंग जो पिक्चर होना चाहिए ये अभी मिल रहा है। ठीक है, बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह मैं आपको करके दिखाया, आपको थोड़ा सा और दो एक बार करके देखना पड़ेगा, नहीं तो एक दो मिनट और करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं लास्ट कोशिश करके फिर भी एक बार देखूंगा, जिस तरह मैं किया उसी तरह और एक बार करके। ठीक है दोस्तों, बट पहले से इसका थोड़ा सा लाइट बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं फिर भी करके देखता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, फिलामेंट का जो दो पिन है, दो पिन को ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं अलग से एक वायर ले लिया, ज्वाइन करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पर दोस्तों ये पोजीशन मैं फिर भी आपको लॉन्ग नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए ये ज्वाइन करने के बाद फिर भी ESD से मैं इसको चार्ज करके देख रहा हूँ। ठीक है, ये पोजीशन मैं थोड़ा काट कर रहा हूँ और वीडियो को स्पीड करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको लॉन्ग टाइम नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाएगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। बट दोबारा मैं जो चार्ज कर रहा हूँ ESD से, तो ये प्रॉपर चार्ज होगा कि नहीं होगा
आपको फाइनल एक बार पिक्चर देख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों मैं 3 से 4 मिनट तक चार्ज किया, ठीक है, लॉन्ग टाइम चार्ज करने के बाद। तो चलिए इसका पिक्चर किस तरह आता है और पिक्चर सही अच्छा कलर बनता है कि नहीं और इसका लाइट बढ़ता है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं पिक्चर देख के आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों लॉन्ग टाइम ESD से चार्ज करने के बाद भी इसी तरह ये पिक्चर आ रहा है। तो दोस्तों मेरा हिसाब से जो सच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना क्लियरिटी आना चाहिए ये इतना क्लियरिटी नहीं है। मतलब इसका ग्रीन कलर ओके है, ब्लू कलर ओके है, लाल कलर बहुत कम है, लाल कलर क्लियर नहीं आ रहा है। तो चलिए आपको मेनू चार्ट ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि देखिए कलर अभी कलर 40 है, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट देखिए 100 है, ब्राइट देखिए 100 है, तब भी इसका लाइट बहुत कम है। इसका जो रीजन है कि इसका रेड कलर बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए आपको एक बार सर्विस मोड ओपन करके दिखाता हूँ कंफर्म करने के लिए। देखिए सर्विस मोड ओपन किया, इसका अंदर देखिए RGB ये 110 करके ये सेम सिलेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा और कलर को मैं बढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा रेड आ सकता है, बट मैं अभी ये टेस्ट किया, बट थोड़ा सा हल्का रेड कलर आने के बाद पूरा जो क्लियरिटी होना चाहिए क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। फाइनली दोस्तों इसका जो मेन प्रॉब्लम है ये पिक्चर ट्यूब का ही प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं सर्विस मोड आउट करके आपको दोबारा जो करके दिखाना चाहता हूँ कि इसी तरह आप करेगा तो पिक्चर ट्यूब्स वो रिपेयर हो जाता है, बट सब पिक्चर ट्यूब नहीं होता है, क्योंकि जो चार्जर है चार्जर से चार्ज करने के बाद भी बहुत पिक्चर ट्यूब वो रिपेयर हो जाता है और बहुत पिक्चर ट्यूब चार्ज नहीं होता है, ठीक है। बहुत पिक्चर ट्यूब चार्जर से चार्ज करने के बाद भी नहीं होता है। तो चलिए मेरे पास पिक्चर ट्यूब चार्जर है, मैं पिक्चर ट्यूब चार्जर से भी इसको एक बार चार्ज करके देखूंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पिक्चर ट्यूब से चार्ज करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों चलिए आपका सामने मैं लाइव चार्ज करके देखूंगा इसलिए क्या करना पड़ेगा। देखिए ये जो चार्जर बना ये चार्जर से मैं चार्ज करूंगा, और ये जो चार्जर मैं बनाया इसका ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया किस तरह बनाया किस तरह चार्ज करना पड़ेगा सब कुछ क्लियर दिखाया। तब भी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये बेस बोर्ड को मैं ओपन कर दिया, ठीक है, और कुछ भी ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। और ये चार्जर का देखिए बिग वाला बेस है और ये स्मॉल बेस है, और ये जो अलग अलग वायर है तो ये सोनी ये अलग सा पिक्चर ट्यूब चार्ज करने के लिए। तो चलिए अभी ये ज़रूरत नहीं है, मैं ये अलग से एक्स्ट्रा वायर साइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त ये लेके गया था और वो चार्ज करने के लिए। तो चलिए ये साइड कर दिया, पूरा फ्रेश कर दिया, और अभी ये जो बेस है बिग वाला बेस है, तो चलिए ये कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कनेक्शन किया, और ये ग्रीन वाला वायर है ये भी आउट कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा वायर है। तो दोस्तों देखिए, और ये चार्जर का अंदर एक 0 वाट जो दोस्तों 5 वाट ये बल्ब लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये LED बल्ब नहीं है, इसका अंदर फिलामेंट है और डायरेक्ट AC लाइन से सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका अंदर एक स्विच है, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये अलग अलग कैथोड पिन को कनेक्शन करने के लिए। तो ये जो बी कैथोड पिन है ये ओपन है, इसका अंदर मैं कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, अब डायरेक्ट लाइन से दे सकते हो, सीरीज लाइन से दे सकते हो, कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चार्जर का जैक है, ठीक है, TV PCB पर सप्लाई मार दीजिए। तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया, यहाँ पर दोस्तों एक इंडिकेटर है मेरा चार्जर का, देखिए चार्जर का इंडिकेटर ये ऑन हो गया, और देखिए दोस्तों ये बल्ब फुल ग्लो हो गया, और यहाँ पर एक स्विच है। तो दोस्तों ये स्विच 12 वोल्ट के लिए और ये 6 वोल्ट के लिए, ये साइड तो ये हल्का सा जल रहा है, मतलब ये चार्ज हो रहा है, और इसका अंदर फिलामेंट भी जल रहा है। तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बल्ब धीरे धीरे फुल जब ग्लो हो जाएगा तो दोस्तों फुल चार्ज हो जाता है। तो मतलब ये जो ब्लू कैथोड पिन ये अभी इस तरह लाइट जल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, सप्लाई मैं ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई को ऑफ किया,
तो उसका बाद RX का कैथोड पिन है, ये पिन पर कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये अलग सा कैथोड पिन कनेक्शन किया। चलिए सप्लाई दे के देखता हूँ। सप्लाई दे दिया, कुछ भी देखिए दोस्तों इसी तरह फायरिंग हो रहा है इसके अंदर, मतलब पिक्चर ट्यूब के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए देखिए इस तरह दोस्तों फायरिंग हो रहा है। दोस्तों ये तो नहीं होना चाहिए, ये बल्ब धीरे धीरे फुल ग्लो होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो EST से मैं आपको चार्ज करके दिखाया फर्स्ट टाइम, तो उसी से सबसे बेटर ये जो चार्जर है ये चार्जर से चार्ज करेगा। तो ठीक है, तो अभी लाइट नहीं जल रहा है तो तभी चलिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, आप 5 से 10 मिनट तक देख सकते हो कि चार्ज होगा तो ये पिन हल्का लाइट यहाँ पर जलेगा। ठीक है, बट दोस्तों ये 6 वोल्ट रेंज पर रख के भी आप टेस्ट कर सकते हो। चलिए मैं 6 वोल्ट रेंज पर कर दिया और बाद देखिए फुल ग्लो हो गया, और एक्चुअली ये फुल चार्ज नहीं है। तो चलिए फिर भी 12 वोल्ट रेंज पर सिलेक्ट कर दिया तो ये लाइट डाउन हो गया। आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, इसी तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बल्ब जब धीरे धीरे ग्लो हो जाएगा तो मतलब वो पिन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बल्ब देखिए हल्का सा लाइट आ गया, हल्का सा जल रहा है। ठीक है, अब फॉलो कीजिए, हल्का सा जल रहा है। तो आपको रुकना पड़ेगा 5 से 10 मिनट, आपको देख के देखना पड़ेगा, और 5 से 10 मिनट का अंदर लाइट नहीं आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो पिन चार्ज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पिक्चर ट्यूब का अंदर रेड कलर बहुत कम है, रेड कलर जो रेड कैथोड पिन हो वो रेड कैथोड पिन को ही आपको अच्छा से चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लाइट हल्का सा जल रहा है, तो दोस्तों और ग्लो होके ये जलेगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा और ये जल रहा है, तो इसी तरह करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाना चाहता हूँ इसलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। ठीक है, आप स्किप करके देखेगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये बल्ब कितना जोर हो गया, मतलब इसका जो कलर प्रॉब्लम ये पिन का वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए बाद में ये पिक्चर देखे एक बार देखूँगा कि सब कुछ ओके चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं चलेगा तो आप दोबारा भी इसी तरह सेम चार्ज काट सकते हो। ठीक है, तो चलिए सप्लाई को ऑफ कर दिया। ठीक है, सप्लाई ऑफ करने के बाद उसके बाद दोस्तों RX कैथोड पिन है। ठीक है, RX ये नीचे वाला कैथोड पिन है, ये कैथोड पिन को भी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद आपको सिम्टम को देखना पड़ेगा किस तरह ये हो रहा है। टेंशन लेने का बात नहीं, डरने का कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये तो डैमेज पिक्चर ट्यूब है, पूरा तरह से ये खराब हो सकता है चार्जिंग करने का समय, बट क्या करना पड़ेगा। कस्टमर का टीवी होगा तो ज़रूर बता दीजिए कि जितना पिक्चर आ रहा है वो भी गायब हो सकता है चार्ज करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं किया, तो चलिए अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है तो कोई बात नहीं। ये जो 5 6 वोल्ट रेंज है, 6 वोल्ट मैं काट दिया, देखिए बल्ब ग्लो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर भी इसको 12 वोल्ट रेंज पर काटना पड़ेगा, 12 वोल्ट रेंज पर काट दिया। बार देखिए दोस्तों अभी इसी तरह ये बल्ब काट रहा है, मतलब इस ये जो पिक्चर ट्यूब के अंदर जो कैथोड पिन होता है, कैथोड पिन के अंदर सल्फर रहता है, और इसी तरह चार्ज करने के बाद वो सल्फर ख़त्म हो जाता है। जब पूरा तरह से सल्फर ख़त्म हो जाएगा तब पिक्चर ट्यूब का अंदर कलर सही आएगा। ठीक है, यही इसका सिस्टम है। तो चलिए इसी तरह कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, चलिए मैं वीडियो को थोड़ा कट करके दिखाता हूँ। देखिए कट करने का ज़रूरत नहीं है, अभी लाइट जल गया, तो चलिए और ये लाइट ग्लो होगा। ठीक है, तो रुकना पड़ेगा थोड़ा, तो आपको दिखा दिया इसका पूरा सिस्टम। तो चलिए मैं फिर भी और एक बार चार्ज करूँगा, एक एक पिन को करने के बाद आपको एक बार इसका पिक्चर क्वालिटी दिखाऊँगा, क्योंकि अभी स्क्रीन का अंदर रेड कलर बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए लास्ट चार्ज करने के बाद चार्जर से इसका जो रेड कलर प्रॉब्लम था ये प्रॉपर रेड कलर आ गया, अभी रेड कलर का कुछ भी इशू नहीं है। अब देख सकते हो ये पिक्चर बिल्कुल ओके चल रहा है। ठीक है, तो आपका मन में डाउट हो सकता है, इसलिए मैं रिमोट का जो सर्विस मोड बॉटम है, सर्विस मोड बॉटम पुश करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका जो RGB कलर है ये 110 करके ही मैं आपको दिखाया। अभी देखिए इसका RGB जो कलर है 110 करके ही है, इसका तीनों कलर से मैं कलर को मैं सर्विस मोड से कुछ भी नहीं बढ़ाया। बट दोस्तों पिक्चर क्वालिटी अच्छा आप करना चाहता हो तो ये RGB को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, और इसका G ड्राइव और B ड्राइव जो है ये भी आप एडजस्ट
कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको एक बार ESD जो है ESD घुमा के इसका लाइट भी अप डाउन करके भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका लाइट भी देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, ये जीरो हो जाता है, और फुल लाइट काटने के बाद ये देखिए लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों चलिए, कैमरा का वजह ये थोड़ा ब्लर हो जाता है, इसका सर्विस मोड मैं आउट कर देता हूँ। सर्विस मोड आउट करने के बाद इसका मेनू चार्ट ओपन करके भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो 100 था वो मैं थोड़ा सा डाउन कर दिया, तब भी दोस्तों इसका लाइट बहुत फ्रेश है, ये 81 कर दिया, ये भी ब्राइट, और कॉन्ट्रास्ट को मैं 80 कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।